और इंडियन नेवी आई एम प्राउड ऑफ इंडियन नेवी। भारत माता के भारत माता के भारत माता के। जिस तरीके से वो अपने डिफेंस को इंप्रूव कर रहे हैं, जिस तरीके से वो राइफल तैयारें खरीद रहे हैं, जिस तरीके से वो अमेरिका से ड्रोन खरीद रहे हैं, दूसरी चीजें कर रहे हैं, वो रहते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी भारतीय नौसेना की तारीफ करते हुए लिखा कि नौसेना के कमांडो ने अरब सागर में अपहरण के प्रयास में शामिल लाइबेरिया के ध्वज वाले जहाज को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस रीजन के अंदर वो चाइना को कम्पीट कर रहे हैं डिफेंस के अंदर। अब पाकिस्तान के लिए अपने आप को सेव करना जो है वो मुश्किल हो गया। पाकिस्तान के पास तो फिर आपको पता है, जब आपके पास खाने को चीज ही कोई नहीं है, आईएमएफ वाले जो आप जिस तरफ धक्का मारते हैं आप उसी साइड पे चले। अच्छा जी, पाकिस्तान पर हमले का कहीं इंडिया तो नहीं दे दिया नरेंद्र मोदी ने, ये भी सवाल गर्दिश करे। आपने दहशत गर्दी को जब एक अपना कारोबार बनाया, अब आप उससे निकलना चाहते हैं, वो कहते हैं मैं कंबल छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। बचाना मुश्किल हो गया अब, क्योंकि वो इन्वॉल्वमेंट हो गई थी ना। हम कशकोल तोड़ देंगे, लेकिन किसी ने आज तक अकाउंटेबिलिटी की बात की है? मैं देख रहा था तकरीबन को $75 मिलियन की उन्होंने क्रेडिट लाइन दी उनको। आज मैं आपको बताऊं सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, फाइनेंशियल पैकेज दिया है जो कि 1,000 करोड़ नेपाल का रुपया बनता है। आप फ्रीडम हाउस वाशिंगटन में चले जाएं सर, तो वहां पर जो मैप आपको नजर आ रहा है ना सर, उस मैप के अंदर पार्शली फ्री इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर लिखा हुआ है और हमारा जो कश्मीर है वो कंप्लीटली विदाउट फ्रीडम है। जिस तरीके से वो अपने डिफेंस को इंप्रूव कर रहे हैं, जिस तरीके से वो राइफल तैयारें खरीद रहे हैं, जिस तरीके से वो अमेरिका से ड्रोन खरीद रहे हैं, दूसरी चीजें कर रहे हैं, उनकी इस रीजन के अंदर वो चाइना को कम्पीट कर रहे हैं डिफेंस के अंदर। पाकिस्तान के पास तो फिर आपको पता है, जब आपके पास खाने को चीज ही कोई नहीं है, आईएमएफ वाले जो आप जिस तरफ धक्का मारते हैं आप उसी साइड पे चले जाते हैं, दर हकीकत फिर वो दे सकते हैं बयान, दे आर इन अ पोजीशन टू डू इट। इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन आज मैं जो आपने दूसरी, मैं हमेशा एक बात पे एग्री करता हूँ, आप अब असली सिचुएशन चॉइस अब ये है, आपने दहशत गर्दी को जब एक अपना कारोबार बनाया, अब आप उससे निकलना चाहते हैं, वो कहते हैं मैं कंबल छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। लेकिन ये कि वो जिस तरह कहा ना, आपने डॉलर बनाने के लिए जिहाद शुरू किया था जनरल जियाउल हक के दौर में, आज आप भी आज सारा पाकिस्तान उसका जो है वो निशाना है, आज उसको कीमत अदा कर रहा है हर पाकिस्तानी, अफसोस के साथ मैं कहूंगा। लेकिन ये कि फिर जब आप इस तरह की चीजें होती हैं, अब ना पता चलता है उसमें से ठीक कौन है, जिस तरह के आपका कॉन्सेप्ट था, मारने वाला भी शहीद है, मरने वाला भी शहीद है, फिर आप बात करते हैं अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान, आपने खुद ये सारी चीजें क्रिएट। और हमें बहुत फर्क है, हम मुसलमान है, वो हिंदू है, इस फर्क की मैंने बात नहीं की, मैं तरक्की पर बात करी हूँ, मईशत पर बात करी। तरक्की पांच माशाल्लाह पाकिस्तान ने बहुत बड़ी तरक्की की है। क्या तरक्की? पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। यह तरक्की है, सुनिए, एटमी ताकत मैं मानती हूँ, एटमी ताकत है, मैं तो बात मईशत पे कर रही हूँ मेरे भाई। गुरबत है जहाँ पर, जहाँ आटा नहीं मिल रहा वहाँ जाकर फिर एटम बम फोड़ दें, ये बताने के लिए हम ताकतवर है? नहीं, हम ताकतवर है माशाल्लाह, शुक्र, हमें आटा तो मिलता है, हमें आटा तो मिलता है खाने के लिए, मगर हमारी बेईमानी खत्म नहीं होती। और क्या तरक्की है? और तरक्की माशाल्लाह अल्लाह ताला का बड़ी करम नवाजी है कि पाकिस्तान में बहुत सारे कारोबार चल रहे हैं। कौन से? जूतों का कारोबार चल रहा है, कपड़े का कारोबार चल रहा है, टेक्सटाइल, बोले पहले आप, टेक्सटाइल मिलें चल रही हैं। सिर्फ एक टेक्सटाइल मिल जो है वो अटक से, वो अपना क्या नाम है, 12 शिफ्ट हो गई है, वो मियाँ साहब के कहने पर, मियाँ साहब ने परेशान किया और वो स्टील मिल खिसारे में, PIA खिसारे में, रेलवे खिसारे में, टेक्सटाइल खिसारे में, शुगर मिल खिसारे में, क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे और इन जो चोर उनको पकड़ो, जो भी है। भारत की बात करते हैं तो? भारत की बात ये करते हैं कि भारत तो मसले का हमारा एक बाकी हिस्सा है पाकिस्तान का, जब पाको हिंद था तो सारी बादशाही मुसलमानों की थी, मुसलमानों से छीना गया, बरतानिया ने वापस नहीं किया। भाई मेरे, ये पूरा खित्ता हिंदुस्तान के लाया जाता था, सेपरेशन हुई थी, मुगलिया बादशाह के पास था, मुसलमानों के पास था, मुसलमानों से छीना गया। हाँ जी, इंडिया की ऐसी कोई बात नहीं है, इंडिया तो मसला है कि उन्होंने, अंग्रेजों ने साजिश करके इंडिया बनाया है। ये भाई उनका खित्ता पहले ही था, हम अलग हुए थे। खित्ता हमारा था। अच्छा, पाकिस्तान का नाम 1947 से पहले था? जी, पाको हिंद था। ये तो हम कहते हैं, हम कहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज किया था, बताएं? पाकिस्तान का नाम मोहम्मद अली चौधरी, किसने किया था?
चौधरी साहब ने किया था, चौधरी रहमत अली ने किया था। आपको तो ये भी नहीं पता किसने तजवीज किया था? तो मुसलमान तो पहले भी थे ना पाकिस्तान, बाद में बना, मुसलमान तो इससे पहले भी थे। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रही, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ मेरे भाई। मैं तो मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, ये मुसलमान से छीना गया सब कुछ। नहीं, आप कह रहे हैं ना हमारा भारत बना था भाई, उनका खिता पहले था, उनका पैसा हमारा ना, हमारा था, हम मुसलमान है, हमारा था, सब मुसलमानों के पास था, ये सब मुसलमानों से छीना गया। फिर ये तो साजिश हुई है, अल्लाह ताला करम करेगा, आज नहीं कल अल्लाह करेगा, हम फिर काबिज होंगे। अच्छा। हाँ जी, आपका काम काबिज होना रह गया, अभी पहले इकॉनमी तो बेहतर कर ले मेरे भाई। इकॉनमी अल्लाह करेगा बेहतर हो जाएगी। जब अल्लाह कहता है हाथ पहुला गॉड है, दो जू है, दम से अल्लाह ने भी कहा मेहनत करो, तो हम मेहनत कर रहे हैं। पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, किस दुनिया में रहते हैं, मेहनत पे तो यकीन करना ही नहीं है। मेहनत पे तो मेहनत करते हैं, मेहनत पे यकीन करते हैं, मगर बेईमानी पे यकीन नहीं करते। बेईमानी से बचें, मेहनत तो करनी चाहिए, और हम करते हैं। ये किस काम में मेहनत कर रहे हैं? हम अपने कारोबार में मेहनत कर रहे हैं। हाँ। हम इलेक्ट्रिक कारोबार करते हैं, उसमें मेहनत कर रहे हैं, प्रॉपर्टी कंपनी। किसमें? किसमें? इलेक्ट्रिक का, बिजली का। हाँ। उसमें मेहनत कर रहे हैं, अपने प्रॉपर्टी कंपनी से मेहनत कर रहे हैं। चोरी नहीं करते, फ्रॉड नहीं करते। मैं मेरे भाई, मैं तालीम की बात कर रही हूँ। हाँ, तालीम को बढ़ाना, बिजनेस की बात कर रही हूँ। हाँ जी, बिजनेस हम कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी लोग भी कर रहे हैं, सिर्फ बेईमानों से बचे हैं जिन्होंने कैंची रखी है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं आपकी पर्सनल बात नहीं कर रही, मैं पूरी कौम की बात कर रही हूँ। आपकी पर्सनल बात मैं नहीं करूंगी। अच्छा। मैं पूरी कौम की बात करूंगी। पूरी कौम में जो काम करते हैं उनके, वो तो तरक्की करते हैं, जो बेईमानी करते हैं फंस जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, बेईमानों से बचे। हमारी मईशत कहाँ है? हमारी मईशत माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आगे से बहुत बेहतर हो गई है। डॉलर नीचे आ गया और पाकिस्तान की रुपए की करेंसी कीमत बढ़ रही है, अल्लाह करेगा बढ़ जाएगी। आपका? हाँ जी, हो गया जी। डॉलर रेट कितना है? ये मेरे ख्याल 288 के 85 रुपए है। बहुत कम हुआ है। हाँ जी, जितना भी कम हुआ है ना, कम अलग। इकॉनमी कौन से नंबर पे है? इकॉनमी का नंबर नहीं पता, हम इंग्लिश नहीं जानते किस नंबर पर है, बार ये पता है कि पाकिस्तान का रुपया जो बेहतर हो रहा है, इतना हमें पता है। आपको अंदाजा नहीं है जी, हम इस वक्त किस सूरत हाल में? आपको अंदाजा नहीं है? बिल्कुल अंदाजा नहीं। हाँ, बहुत बेहतर सूरत हाल में, चोरों से बचना चाहिए हमें, जिनसे डर लगता है। बहुत बेहतर सूरत हाल में है। IMF के पास क्यों जाते हैं? बहुत बेहतर सूरत हाल में। कर्जा क्यों लेते हैं? बहुत बेहतर सूरत हाल में। भिखारी क्यों पकड़े जाते हैं? सब चोरों ने लेके अपने घर ले गए हैं। कर्जा लेके पब्लिक को कोई नहीं दिया, पब्लिक परेशान कोई नहीं किया। अच्छा। जो कर्जा लिया अपने घर ले गए। भारत की बात करते हैं तो क्या कहेंगे आप? आपको पाकिस्तान का कुछ भी नहीं पता जी। मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पता, आपको नहीं पता? आपको मईशत का तो पता ही नहीं है। मईशत को क्या करें, मुझे बताओ ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गुजारा ठीक है, हम क्या करें? देखिए, आप अपनी हालत खुद बदलना नहीं चाहते, आप नहीं, कहते हैं बस ठीक है। हमारी हालत तो ठीक है, हम बदलना चाहते हैं, जो सीधा बदलना चाहते हैं, जो इस्लाम का तरीका उसे बदलना चाहते हैं, चोरी के तरीके से बदलना चाहते हैं। मैं चोरी की बात भी नहीं करी, ऑब्वियसली चोरी तो एक गुनाह है, चोरी तो बहुत बुरी चीज है, चोरी को मैं क्यों प्रमोट करूंगी? ये कौन सा तरीका है कि मतलब पाकिस्तान के नाम पे लोन लो और अपने अकाउंट में जमा करा दो, ये कौन सा तरीका है? ये बात आपने बोली है सही, ये बात आपने बोली, ये बात बोली है, चलो यही बहुत है। ये को मोड़ दो, ये जो लोन लेते हैं पाकिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान को ब्लैकमेल करते हैं और पैसे अपने अकाउंट में डाल लेते हैं। अच्छा। नहीं, क्या वजह है कि हमें बाहर के मुल्क बुलाते ही नहीं, अपनी कंट्री में उनको न्योता दे के बुलाते हैं? हमें क्यों बुलाएं, वो हमारे पास आए ना, शुक्र हमारे पास है, हम क्यों हमें वो क्यों बुलाएं, वो हमारे पास आए, उनकी जरूरत है तो हमें तो किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी की जरूरत ना, हमारा अपना खाना है, शुक्र अपना पीना है, हम लोगों के। IMF के पास कौन जाता है, लोन मांगने कौन जाता है, क्या बातें कर रहे हैं आप, मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही। एक मिनट मैं बताता हूँ, IMF के पास वो जाते हैं जिन्होंने पैसे लोन लिया और अपने अकाउंट में डाल लिए। अच्छा। वो लोग जाते हैं। चाइना के पास भी हम जाते हैं, आप कह रहे हैं वो लोग आए, भाई इस वक्त हमारी इकोनॉमी